हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आज हम लोग वो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। आज हम लोगों की स्पेशल क्लास होगी ओबीजी की, जिसके अंदर हम ओबीजी के ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम उसके अंदर आने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सा बड़ा होगा वीडियो आज का, लेकिन ऐसे वो सब एमसीक्यूज है होंगे जो कि सीएचओ के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उन सबको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की स्पेशल क्लास है ओबीजी की, इसके अंदर आज हम लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एज इट इज़ सीएचओ के अंदर आने वाले हैं। ओके, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा, स्किप ना करिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो वहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनता है, अगर वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। हम लोगों का क्वेश्चन करने का तरीका होगा, मैं क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा, उसके आंसर होंगे, उनमें से आपको पुट करना है आंसर। 3 से 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उसमें आपको अपना आंसर पुट करना है और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो अपना आंसर पुट ज़रूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए टर्म की बात हुई है, द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट ए टर्म। जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो ओवरऑल मतलब टर्म पे आ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम एंड 1000 ग्राम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एट टर्म द वेट ऑफ प्लेसेंटा, टर्म के ऊपर वेट है प्लेसेंटा का वो कितना होता है, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम एंड 1000 ग्राम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ राजस्थान या सीएचओ एमपी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज है वो कर रहे हैं, तो अपना आंसर पुट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम वेट हो जाता है प्लेसेंटा का एट टर्म। तो अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट, जो मेच्योर प्लेसेंटा होता है उसके अंदर कितना वॉल्यूम ब्लड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 500 ml, 150 ml, 1000 ml एंड 50 ml। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, एवरीबडी पुट आंसर, सभी को आंसर पुट करना है। 500 ml, 150 ml, 1000 ml एंड 50 ml। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ मेच्योर प्लेसेंटा, मेच्योर प्लेसेंटा का वॉल्यूम पूछा है, जो ब्लड है ब्लड का वॉल्यूम मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर कितना ml ब्लड होता है। आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा, आप अपना आंसर है वो क्रॉस चेक कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 500 ml। इट मीन्स ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एट टर्म। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूड का कलर कौन सा होता है टर्म पे, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। पेल स्ट्रो कलर, गोल्डन, ग्रेनिश येलो एंड डार्क कलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनियोटिक फ्लूड से आज जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कलर से रिलेटेड, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए है पेल स्ट्रो कलर, गोल्डन कलर, ग्रेनिश येलो एंड डार्क कलर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। नॉर्मल कंडीशन की बात हुई है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका कलर कैसा होता है टर्म पे, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूड का टर्म के ऊपर कलर होता है पेल स्ट्रो कलर। कौन सा कलर होता है, पेल स्ट्रो कलर। इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है, और अगर चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। नाउ ड्यूरिंग आरएच इनकम्पेबिलिटी कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज, आरएच इनकम्पेबिलिटी कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, आरएच इनकम्पेबिलिटी क्या है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, उस कंडीशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का। ऑप्शन में है
पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर, ग्रीनिश येलो एंड डार्क कलर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन, ग्रीनिश येलो एंड डार्क कलर। किसकी बात हुई है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की बात हुई है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी वाले केस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन, ग्रीनिश एंड डार्क कलर। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है गोल्डन कलर। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मल कैसा था? पेल स्ट्रॉ कलर, और ड्यूरिंग आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर कौन सा कलर है? गोल्डन कलर। तो कन्फ्यूज होना नहीं है, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है फिर आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। ड्यूरिंग पोस्ट मेच्योरिटी कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब किसकी बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी के टाइम एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर, ग्रीनिश येलो एंड डार्क कलर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। ड्यूरिंग पोस्ट मेच्योरिटी की बात हुई है यहाँ पर। किसकी बात हुई है? पोस्ट मेच्योरिटी की। पोस्ट मेच्योरिटी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होता है? ऑप्शन अगर आपका ए राइट है तो ए ऑप्शन आप कमेंट में पुट कीजिएगा, बी ऑप्शन राइट है तो बी करिएगा, सी ऑप्शन राइट है तो सी पुट करिएगा, और डी ऑप्शन अगर आपको राइट लगता है तो डी ऑप्शन कमेंट में आंसर पुट कीजिएगा। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। ड्यूरिंग पोस्ट मेच्योरिटी जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। कौन सा होता है? ग्रीनिश येलो। इट मींस ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आप चैनल के नए हैं तो चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से जब तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग ऐसे ही टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे डेली की। एक हो सकता है दो टेस्ट सीरीज मॉर्निंग और इवनिंग में वीडियो पोस्ट की जा सकती है, या एक मिनिमम एक सीरीज तो डेली की हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम वेजाइना की पीएच कौन सी होती है? ऑप्शन में है एसिडिक, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी है समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन आंसर पुट कीजिएगा कमेंट में, आंसर जरूर पुट कीजिएगा। पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, आंसर सभी को पुट करना है। पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है एसिडिक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेजाइना की पीएच होती है वो होती है एसिडिक। इट मींस ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। द वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म इज अबाउट टर्म। किसकी बात हुई है? टर्म एट टर्म यूट्रस का वेट कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है 200 to 300 ग्राम, 900 to 1000 ग्राम, 2 to 3 kg एंड 400 to 500 ग्राम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एट टर्म वेट ऑफ यूट्रस, एट टर्म जो यूट्रस का वेट है वो कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 200 से 300 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम, 2 से 3 किलो एंड लास्ट ऑप्शन है 400 से 500 ग्राम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। आई होप आंसर आप ज़रूर पुट कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक आंसर पुट नहीं किया तो आंसर ज़रूर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 900 से लेके 1000 ग्राम जो वेट है यूट्रस का वो टर्म के ऊपर वेट है वो हो जाता है यूट्रस का 900 से लेके 1000 ग्राम। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए सिंगल टन प्रेगनेंसी इन हेल्दी वुमन इज़ अबाउट। एक प्रेगनेंसी के अंदर टोटल जो वेट है वुमन का वो कितना गेन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ओबीजी के, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। टोटल वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना गेन होता है? ऑप्शन में ए है 5 kg, बी ऑप्शन है 11 kg, सी ऑप्शन है 6 kg, डी ऑप्शन है 3 kg। तो अपना आंसर जरूर पुट कीजिएगा। अगर आपको ए ऑप्शन सही लग रहा है तो कमेंट के अंदर ए पुट कीजिएगा, अगर बी सही लग रहा है तो बी पुट कीजिएगा, और सी ऑप्शन अगर आपको करेक्ट लग रहा है तो सी पुट कीजिएगा, और डी लग रहा है तो डी ऑप्शन पुट कीजिएगा, लेकिन आंसर ज़रूर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर
होगा जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमन है उसके अंदर 11 केजी वेट है वो गेन किया जाता है, इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अगर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा आपका आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन विच ऑर्गन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से ऑर्गन के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सुनिएगा, यूट्रस, ब्रेस्ट, वेजाइना एंड ऑल ऑफ द अबाव। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से ऑर्गन के अंदर होता है या कौन से ऑर्गन के अंदर होता है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, यूट्रस, ब्रेस्ट, वेजाइना एंड ऑल। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, एवरीबॉडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो यूट्रस के अंदर भी होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर भी होते हैं और वेजाइना के अंदर भी होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप, कौन से हार्मोन के अंडर में इन्फ्लुएंस में जो ग्राफिकन फॉलिकल्स है वो डेवलप होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो डेवलप होते हैं। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन सी है FSH एंड ऑप्शन डी है LH यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन की वजह से ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। अगर आप WhatsApp ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से WhatsApp ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको PDF नोट्स और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, आई होप आपने इसका आंसर पुट कर दिया होगा और सही भी होगा। अगर सही नहीं है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कौन सा होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो डेवलप होते हैं। इट मींस ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर, द हाफ लाइफ किसकी पूछी है, LCG की किसकी पूछी है, हाफ लाइफ ऑफ LCG इज अबाउट कितनी होती है, हाफ लाइफ किसकी पूछी है, HCG की पूछी है। HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, क्या है ये LCG नहीं है, ये है HCG, क्या है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन में ए है 10 डेज, ऑप्शन बी है 24 आवर्स एंड ऑप्शन सी है 24 डेज एंड ऑप्शन डी है 10 मिनट्स। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, HCG का हाफ लाइफ क्या होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 24 आवर्स, इट मींस ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। 24 आवर्स क्या होता है, हाफ लाइफ होता है किसका, HCG का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर, द हार्मोन्स दैट राइपन्स द सर्विक्स, वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से सर्विक्स राइपन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन सी है HCG एंड ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, द विच हार्मोन दैट राइपन्स द सर्विक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले और कमेंट के अंदर आंसर ज़रूर पुट कीजिएगा, द हार्मोन दैट राइपन्स द सर्विक्स। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है HCG एंड ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, राइपन करता है किसको, सर्विक्स को। इट मींस ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर, साइज ऑफ यूट्रस बाय 12th week ऑफ प्रेगनेंसी इज, जब 12th week ऑफ प्रेगनेंसी होता है उस समय जो यूट्रस की साइज है वो कितनी हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात हुई है, 12th week की बात हुई है। ऑप्शन में लाइक हैंस एग, ऑप्शन बी है लाइक क्रिकेट बॉल, ऑप्शन सी है लाइक ए फिटल हेड एंड ऑप्शन डी है लाइक फुटबॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइज ऑफ यूट्रस एट 12th week ऑफ प्रेगनेंसी जब यूट्रस की साइज कितनी हो जाती है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
लाइक हैंस एक, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक ए फिटल हेड एंड लाइक फुटबॉल। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। साइज ऑफ यूट्रस बाय 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा लाइक ए फिटल हेड। फिटल लाइक जिस एक फिटल का हेड होता है उस वैसा जो यूट्रस का साइज है वो हो जाता है 12th वीक ऑफ दी प्रेगनेंसी। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज सी एच ओ के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज, जब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है उसे हम कौन सा साइन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकवेमर साइन, ओशियंडर साइन, गुडेल साइन या हैगार्स साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जरूर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज, क्या टर्म देते हैं हम लोग जब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकवेमर साइन, ओशियंडर साइन, गुडेल साइन या हैगार साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका गुडेल साइन। जब गुडेल साइन बोलते हैं किसको, जब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। इसका राइट आंसर होगा सी, नाउ गुडेल साइन। नाउ वी विल गो फर्दर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट अ प्रेगनेंसी साइन, ऑप्शन दिए हुए हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रेगनेंसी साइन, इनके अंदर से कौन सा प्रेगनेंसी साइन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में ए है चैडविक साइन, ऑप्शन बी है ब्रुजिंस्की साइन एंड ऑप्शन सी है हैगार साइन एंड ऑप्शन डी है गुडेल साइन। क्या है, गुडेल साइन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा साइन है जो कि प्रेगनेंसी का नहीं है, चैडविक साइन, ब्रुजिंस्की साइन, हैगार साइन या गुडेल साइन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा चैडविक साइन होता है, हैगार साइन भी होता है और गुडेल साइन भी होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ब्रुजिंस्की साइन। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर फर्स्ट टाइम फेल्ट ड्यूरिंग, जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्स्ट टाइम कब फेल्ट होते हैं, कब असेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, किसकी बात हुई है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्स्ट टाइम कब फेल्ट होते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी है सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी है थर्ड ट्राइमेस्टर एंड ऑप्शन डी है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। सोच समझ कर आंसर पुट कीजिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर फर्स्ट टाइम फेल्ट ड्यूरिंग, ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओबीजी का, सेलेक्टेड क्वेश्चन से जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर जरूर पुट कीजिएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा। अगर आपका रॉन्ग है आंसर तो उसे करेक्ट कीजिएगा। जो ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्स्ट टाइम कब फेल्ट होते हैं, ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर। कब होते हैं, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉमनेस्ट लाई ऑफ ह्यूमन फिटस इज, जो प्रेजेंटेशन है लाई है वो कॉमनेस्ट कौन सी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कॉमनेस्ट लाई पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीटस। पहले तो लाई पूछा है देन प्रेजेंटेशन, तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द कॉमनेस्ट लाई ऑफ ह्यूमन फीटस इज, ए ऑप्शन में है लॉन्गिट्यूडिनल, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी है ऑब्लिक एंड ऑप्शन डी है अनस्टेबल। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड अनस्टेबल। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, कॉमनेस्ट लाई ऑफ द ह्यूमन फिटस। इसका राइट आंसर होगा, अगर आपका रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। इसका राइट आंसर है लॉन्गिट्यूडिनल। इट मींस ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। कॉमनेस्ट की लाई पूछा है यहाँ पर, कॉमनेस्ट लाई। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिटस इज, कॉमनेस्ट जो प्रेजेंटेशन है फिटस का, ह्यूमन फिटस का, वो कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सिफेलिक, ऑप्शन बी है पॉडेलिक, ऑप्शन सी है शोल्डर एंड ऑप्शन डी है ट्रांसवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन फिटस, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन कौन सी होती है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, सिफेलिक, पॉडेलिक, शोल्डर एंड ट्रांसवर्स। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा।
इसका राइट आंसर होगा जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होती है ह्यूमन फिटस की, वो होती है सिफेलिक। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस इज, हाईएस्ट डायमीटर फीमेल पेल्विस का वो कौन सा होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी एज इट इज़ एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो कि सी एच ओ के अंदर आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से क्लियर कीजिएगा। हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस इज एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स ऑब्लिक एंड ऑल आर इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एवरीबॉडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स ऑब्लिक एंड ऑल आर इक्वल, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। हाईएस्ट डायमीटर पूछा है फीमेल पेल्विस का, क्या पूछा है? हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस कौन सा होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर। हाईएस्ट डायमीटर होता है फीमेल पेल्विस का कौन सा होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। एंटीरियो पोस्टीरियर इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। ए वुमन हु हैज़ डिलीवर वन वायबल चाइल्ड इज टर्म्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वुमन है जो कि डिलीवर की गई है वन वायबल चाइल्ड को, इसके लिए हम लोग क्या टर्म है वो यूज़ में लेंगे। ऑप्शन ए है प्राइमी पेरा, ऑप्शन बी है मल्टी पेरा, ऑप्शन सी है नली ग्रेविडा एंड ऑप्शन डी है प्राइमी ग्रेविडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? ए वुमन हैज़ डिलीवर्ड वन वायबल चाइल्ड, एक वुमन है जो जिसने किस एक डिलीवर किया है वन वायबल चाइल्ड को, उसे हम लोग क्या टर्म देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमी ग्रेविडा, मल्टी पेरा, नली ग्रेविडा एंड प्राइमी ग्रेविडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एक वुमन है जिसने डिलीवर किया है वन वायबल चाइल्ड को, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमी ग्रेविडा। क्या कहेंगे? प्राइमी ग्रेविडा। इट मींस ऑप्शन, सॉरी, प्राइमी पेरा। क्या कहेंगे? प्राइमी पेरा। एक वुमन है जिसने डिलीवर किया वन वायबल चाइल्ड को, उसे हम लोग क्या करते हैं? प्राइमी पेरा। इट मींस ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। प्राइमी ग्रेविडा इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा प्राइमी पेरा। ओके, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दो क्वेश्चन है, बहुत ही, दोनों को हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लेबर को हम लोग जो ओबेसिटी टर्म के अंदर क्या कहते हैं, और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, एबनॉर्मल लेबर को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 21st क्वेश्चन को लीजिएगा। नॉर्मल लेबर के लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ में लेते हैं? ऑप्शन में यूटोसिया, डिस्टोसिया, डिलीवरी एंड पास्चुरेशन, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। नॉर्मल लेबर के लिए हम लोग क्या टर्म है वो यूज़ में लेते हैं? यूटोसिया, डिस्टोसिया, डिलीवरी एंड पास्चुरेशन। आप अपना आंसर ए बी सी डी भी पुट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा, नॉर्मल लेबर के लिए हम टर्म यूज़ में लेते हैं यूटोसिया। क्या लेते हैं? यूटोसिया। इट मींस ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। यूटोसिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर। ओके, नाउ नेक्स्ट है, एबनॉर्मल लेबर को हम लोग क्या कहते हैं? 22nd क्वेश्चन है, एबनॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज यूटोसिया, डिस्टोसिया, डिलीवरी एंड पास्चुरेशन। एक ऑप्शन तो हम लोगों का गया, नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया कहते हैं। इट मींस ऑप्शन ए तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन बी सी एंड डी, तो इनके अंदर से आपको फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। डिस्टोसिया, डिलीवरी या पास्चुरेशन, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एबनॉर्मल लेबर को हम लोग क्या टर्म देते हैं? एबनॉर्मल लेबर को हम लोग टर्म देते हैं डिस्टोसिया। क्या टर्म देते हैं? डिस्टोसिया। इट मींस ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। यूटोसिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर और डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। ओके, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेलकम साइन कौन सा होता है प्रेगनेंसी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में ए ऑप्शन है एंगेजमेंट, बी ऑप्शन है लाइटनिंग एंड ऑप्शन सी है इंटरनल रोटेशन एंड ऑप्शन डी है डिसेंट। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। आंसर जरूर पुट कीजिएगा, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे राइट हो। आंसर जब तक आप आंसर पुट नहीं करेंगे तब तक आप राइट आंसर लर्न नहीं कर सकते। तो आंसर जरूर पुट कीजिएगा, एंगेजमेंट, लाइटनिंग, इंटरनल रोटेशन एंड डिसेंट, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। वेलकम साइन ऑफ पूछा है किसका? प्रेगनेंसी का।
आई होप आंसर पुट कर दिया होगा, और अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। इसका राइट आंसर है लाइटनिंग। लाइटनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इज कम्प्लीटेड ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज कम्प्लीटेड ऑन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है फर्टिलाइज्ड ओवम का, वो कौन से दिन कम्प्लीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 5th डे, बी ऑप्शन है 11th डे, एंड सी ऑप्शन है 20th डे, एंड डी ऑप्शन है 2nd डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इज कम्प्लीटेड ऑन, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। 5th डे, 11th डे, 20th डे एंड 2nd डे, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 11th डे। 11th डे क्या होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है किसका, फर्टिलाइज्ड ओवम का। ओके, इट मींस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा, मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड होता है, किसकी बात हुई है, मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 500 ml, ऑप्शन बी है 150 ml, एंड ऑप्शन सी है 1000 ml, एंड ऑप्शन डी है 50 ml। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। वॉल्यूम पूछा है मेच्योर प्लेसेंटा का, मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कितना होता है मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर। ऑप्शन है 500 ml, 150 ml, 1000 ml, या ऑप्शन डी है 50 ml। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर, 500 ml। इट मींस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आज हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। OBG के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कम्युनिटी के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपने वो क्लासेज नहीं ली है तो वो क्लासेज भी ज़रूर लीजिएगा। मिस एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन है वो कम्युनिटी ऑफिसर हेल्थ एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो अपने को सारे क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है। ओके, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, और फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके, हर कोई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सके। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेंगे नेक्स्ट सीरीज। आज हमारी टेस्ट सीरीज 8 कम्प्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वो होगी टेस्ट सीरीज नंबर 9। ओके, थैंक यू सो मच।